हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन के लिए बीसीसीआई ने अपनी तैयारियां पूरी तरीके से स्टार्ट कर दी हैं। सारी फ्रेंचाइज अपने अपने रिलीज रिटेन प्लेयर्स और इसके साथ ही ट्रेड विंडो को लेकर अब अपनी तैयारियां पूरी तरीके से स्टार्ट कर चुकी हैं। और आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन में कौन कौन से बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं, कौन कौन से बड़े नियम हैं जो कि बदलते हुए नजर आने वाले हैं, इसके लिए जीसी और एजीएम की मीटिंग हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है, जहां पर आईपीएल के 14th एडिशन के लिए बहुत सारे रूल्स में हमें चेंज होते हुए नजर आने वाला है। अब क्योंकि राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स ने यह रिक्वेस्ट किया है बीसीसीआई को कि एक्सपेंशन किया जाए, यानी कि ज्यादा टीमों को लेकर आया जाए, और इसकी वजह से हमें बहुत सारे रूल्स में चेंज देखने को मिलने वाला है आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आईपीएल 2021 में 10 टीमों के आ जाने की वजह से कौन कौन से बड़े रूल चेंजेस होने वाले हैं जो कि बीसीसीआई बीबीएल से कॉपी करने वाली है, यानी कि बीबीएल के बड़े रूल्स जो कि हमें आईपीएल 2021 की नीलामी और आईपीएल 2021 के पूरे सीजन में अप्लाई होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब, और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग उस टीम का नाम जरूर लिखिए जिसके ऊपर आप लोग चाहते हैं कि हम वीडियो लेकर आए कि मेगा ऑक्शन में वो टीम कौन कौन से बड़े प्लेयर्स को टारगेट करने वाली है। जिस भी टीम के कमेंट सबसे ज्यादा होते हैं उस टीम के ऊपर आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन में जो सबसे पहला रूल हमें चेंज होते हुए नजर आ सकता है या फिर अप्लाई होते हुए नजर आने वाला है वो है 5 फॉरेन प्लेयर्स का। इसके बारे में अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर एक्टिव हैं तो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि किस तरह से बहुत सारे फॉरेन के प्लेयर्स हैं जो कि बेंच के ऊपर बैठे रहते हैं। तो बीसीसीआई ने प्लान किया है कि अगर एक्सपेंशन होता है तो फिर 10 टीमें इस बार हो जाएंगी, और पहले 8 टीमें होती थी, एक टीम में 4 फॉरेन प्लेयर और 7 भारतीय प्लेयर होते थे, तो 8x7 यानी कि 56 प्लेयर्स हमें देखने को मिलते थे भारतीय। लेकिन अगर 10 टीमें हो जाती हैं और एक टीम में 6 इंडियन प्लेयर भी होते हैं तब भी 60 इंडियन प्लेयर्स हमें हर साल आईपीएल में खेलते हुए देखने को मिलेंगे। तो इससे ना सिर्फ भारतीय प्लेयर्स को ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा बल्कि जो फॉरेन के टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो भी आईपीएल में आ जाएंगे, और इनकी वजह से आईपीएल कहीं ज्यादा रोमांचक हो जाएगा, आईपीएल का रोमांच कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 4 नहीं बल्कि 5 फॉरेन प्लेयर्स को एक टीम में खिलाने का प्लान बीसीसीआई यहां पर एजीएम की मीटिंग में इसके ऊपर डिसीजन लेने वाली है। दूसरा बड़ा रूल जो कि हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो है प्लेइंग फॉर्मेट को लेकर। दरअसल अब अगर आप बीबीएल की बात करो तो वहां पर ये प्लेइंग फॉर्मेट ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, और अगर अब हम आईपीएल की बात करें तो अगर 10 टीम आती हैं तो बीसीसीआई हमें राउंड रॉबिन फॉर्मेट के ऊपर भी इसको हटाते हुए नजर आ सकती है। राउंड रॉबिन फॉर्मेट आप लोग देखते हैं कि एक ही ग्रुप होता है और उस ग्रुप में हमें 1, 2, 3, 4 पर जो भी टीमें होती है क्वालिफाई कर जाती हैं। लेकिन अगर राउंड रॉबिन फॉर्मेट को हटा दिया जाता है तो फिर 2 अलग अलग ग्रुप में हमें 5-5 टीमें देखने को मिलेंगी, और दोनों ही ग्रुप की टॉप 2 टीम्स को एक दूसरे के अगेंस्ट सेमीफाइनल खेलने का चांस मिलेगा। तो फॉर्मेट में भी हमें चेंज देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर भी डिसीजन यहां पर जीसी की मीटिंग में बीसीसीआई लेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं अगला बड़ा रूल जो कि बीबीएल से यहां पर इनकॉर्पोरेट होने वाला है आईपीएल में, और ये है पावर सर्ज प्लेयर का। अगर आप लोग इस बार बीबीएल को फॉलो कर रहे हैं तो पावर सर्ज का रूल वहां पर अप्लाई होने वाला है। ये एक ऐसा रूल है जिसके हिसाब से पावर प्ले जो कि 6 ओवर्स का होता था उसके पहले के जो 4 ओवर्स हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो पावर प्ले के बाकी के 2 ओवर्स हैं वो बैटिंग टीम यहां पर 11 ओवर के बाद कभी भी ले सकती है, 11 से 20 ओवर के बीच में, यानी कि अगर उस टीम की मर्जी है तो वो इन पावर प्ले के 2 ओवर्स को 19वें और 20वें ओवर्स में भी ले सकती है ताकि वो मैक्सिमम रन बना सकें। तो पावर सर्ज का रूल भी आईपीएल 2021 में हमें देखने को मिल सकता है जो कि बीबीएल से इंस्पायर्ड होगा, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि बीबीएल के किसी रूल्स में अपना बीसीसीआई ने इंटरेस्ट दिखाया है। बीबीएल में इससे पहले भी जो लाइट्स वाली बेल्स होती हैं इसके साथ ही जो जंबोट्रॉन्स होता है उनको ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं आईपीएल में कि बीबीएल से उनको कॉपी किया गया है। तो ऐसे में ये भी वो रूल्स हैं जिनको बीसीसीआई काफी ज्यादा यहां पर इंटरेस्ट दिखा रही है अपना। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं अगला बड़ा रूल जो कि बीबीएल में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है और ये भी हमें आईपीएल 2021 में देखने को मिल सकता है, और ये रूल है एक्स फैक्टर प्लेयर का। एक्स फैक्टर प्लेयर का रूल हमें बीबीएल में इस साल से देखने को मिलने वाला है, जहां पर जो एक्स फैक्टर होगा वो आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होगा, यानी कि जब टॉस होता है तो उस टाइम पर वो आपकी प्लेइंग 11 में नहीं होगा, लेकिन वो होगा 12वां या फिर 13वां प्लेयर। और इस प्लेयर का ये एडवांटेज है कि 10
10वें ओवर के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर है जो कि अब यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है, तो फिर आप उसको एक्स फैक्टर प्लेयर से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए केकेआर की टीम है और केकेआर की टीम ने आंड्रे रसेल को पिक नहीं किया है, लेकिन अगर ऐसी जरूरत पड़ रही है कि 10 ओवर के बाद केकेआर के पास विकेट्स हैं और वो किसी हिटर को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, तो फिर वो दिनेश कार्तिक को रिप्लेस कर सकते हैं आंड्रे रसेल से। लेकिन कंडीशन ये है कि दिनेश कार्तिक ने बैटिंग नहीं की होनी चाहिए, या फिर अगर बॉलर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो बॉलर ने एक भी बॉल नहीं डाली होनी चाहिए। तो एक्स फैक्टर प्लेयर यहां पर कभी भी आ जाएगा मैच में 10 ओवर के बाद, लेकिन कंडीशन ये है कि जिस प्लेयर के साथ वो रिप्लेस होता है उस प्लेयर ने ना तो बॉल डाली होनी चाहिए और ना ही उसने बैटिंग करी होनी चाहिए, तभी वो प्लेयर रिप्लेस हो सकता है। तो ये सारे बड़े रूल्स जो कि बीबीएल में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं इस साल से, लेकिन बीसीसीआई इनके ऊपर डिसीजन लेने वाली है जो जीसी और एजीएम की मीटिंग होने वाली है। तो वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए इनमें से कौन सा रूल आपको लगता है कि आईपीएल में इंप्लीमेंट करना चाहिए बीसीसीआई को, या फिर आपको लगता है कि जो अभी आईपीएल में चल रहा है जिन रूल्स के हिसाब से वही ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।